नमस्ते बच्चों, आज मैं आपको बड़ी ई की मात्रा पढ़ाऊंगी और छोटी ई और बड़ी ई के उच्चारण का अंतर बताऊंगी। तो बच्चों हम पढ़ेंगे बड़ी ई की मात्रा। बड़ी ई की मात्रा इस तरह लगाई जाती है बच्चों, यह है क। क में बड़ी ई की मात्रा लगाने पर क्या बनता है? ई। च में बड़ी ई की मात्रा ची। ल में बड़ी ई की मात्रा ली। र में बड़ी ई की मात्रा री। म में बड़ी ई की मात्रा मी। द में बड़ी ई की मात्रा दी। बच्चों ये है मा। आपने आ की मात्रा पढ़ी है, म में आ की मात्रा मा। ल में बड़ी ई की मात्रा ली। क्या बना बच्चों? माली। च में बड़ी ई की मात्रा ची ता। क्या बना? चीता। म छ ल में बड़ी ई की मात्रा ली, मछली। ब क र में बड़ी ई की मात्रा री, बकरी। बच्चों और एक बार पढ़ेंगे। माली, चीता, मछली, बकरी। बच्चों अब मैं आपको छोटी ई और बड़ी ई के उच्चारण का अंतर बताऊंगी। बच्चों ये है छोटी ई, इसे इस प्रकार लिखा जाता है। छोटी ई का उच्चारण कैसे करते हैं बच्चों? ई। और ये बड़ी ई, इसकी मात्रा इस प्रकार लगाई जाती है और इसका उच्चारण कैसे करते हैं? ई। यानी छोटी ई को हम कम समय के लिए उच्चारण करते हैं ई, और बड़ी ई को थोड़े अधिक समय के लिए उच्चारण करते हैं, जैसे ई ई ई ई ई। बच्चों यह है द में छोटी ई की मात्रा दी, न दिन। और यह है द में बड़ी ई की मात्रा दी, न दीन, दिन दीन। वैसे ही पढ़ेंगे हरी हरी, कली कली, टिन टीन, मिल मील। बच्चों आगे पढ़ेंगे। च में बड़ी की मात्रा ची, न में बड़ी की मात्रा नी, चीनी। लीची, लकड़ी, पालकी, पपीता। बच्चों आशा है आप बड़ी की मात्रा समझ गए होंगे। अब आप अपनी किताब के पेज नंबर 20 में दिए गए शब्दों को पढ़ेंगे। धन्यवाद।